हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं आपका एक्सरसाइज 6.2 का। आकृति में डी समांतर एसी, ये जो डी है ये एसी के समांतर है, और डीएफ समांतर एई। तो आपको ये फिगर भी दिया रहेगा, आपको सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। तो क्या दिया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, डी एफ समांतर ए और डी समांतर ए सी, ये आपका क्या है दिया है। आपको लाना क्या है बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। तो हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल एबीसी में कोई त्रिभुज आपका एबीसी है, आपने बीसी के समांतर कोई रेखा खींचा डी। क्या आपको पता है जो डी आपने खींचा है वो क्या है बीसी के समांतर है, तो क्या कहेंगे आप एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ई सी, ये थेल्स प्रमेय है, तो इसी का यूज हम लोग करेंगे। हम लोग देखते हैं डी समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी। तो हम लोग क्या देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी को मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, ट्रायंगल ए बी सी में डी समांतर ए सी, यहाँ पे कोई, ये आपका डी है, डी क्या है डी समांतर ए सी है। ये आपको पता है कि डी ए सी अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा आप बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी अपान ई सी, ये यूज करेंगे। तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है आपको डी समांतर ए सी। डी समांतर ए सी तो वहां से देखिए आप बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी ई अपान ई सी। प्रमेय 6.1 कहता है, और जिसमें आप लगा रहे हैं डी ई समांतर ए सी, तो उस ट्रायंगल को आप पहले थोड़ा अलग बना के लिख लिया करिए, अलग बनाने से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये रेशियो बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी डी अपान डी ए, ये हो गया आपका। फिर हम लोग, आपको क्या दिया है डी एफ, डी एफ समांतर ए ई, तो मैं आपको ए बी ई ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ, ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पे क्या है डी एफ है, डी एफ है, और डी एफ समांतर क्या है आपका ए ई, डी एफ समांतर ये आपका दिया है।
तो आप क्या कहेंगे, जो डी एफ होगा ये, यानी बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी डी अपान डी ए। परमेय 6.1 यही तो कहता है कि एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है तो जो दोनों भुजाओं को विभाजित करती है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यानी बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। तो हम लोग किस ट्रायंगल में अब जा रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई, ये आपका पता है, ऐसे लिख देते हैं डी एफ समांतर ए ई है, अतः बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी डी अपान डी ए डी ए। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर वन, इसको समीकरण नंबर दो। अब देखिए हमको क्या लाना है, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। यहाँ देखिए बी डी अपान डी ए की वैल्यू क्या है, समीकरण एक क्या कहता है, समीकरण एक ये कहता है कि बी डी अपान डी ए बी डी अपान डी ए किसके बराबर, बी ई अपान ई सी, ई सी। और समीकरण दो आपका क्या कहता है, बी डी अपान डी ए किसके बराबर है, बी एफ अपान एफ ई, एफ ई। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि ए बराबर बी हो और फिर वही ए बराबर सी हो, तो ए बराबर सी यहाँ पे रख देंगे तो सी बराबर बी आपको मिल जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू ये आपस में इक्वल होगी, बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, समीकरण एक तथा दो से बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई आपका वही लिखा है, यही सिद्ध करना था। तो इसके बाद तीन क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बचा है, तो मैं उसको भी एक करवा दूंगा, फिर उसके बाद में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इतना ही रखते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।